कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बिल्कुल सही और सुरक्षित होंगे। स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में। जी हाँ, आज हम बात करेंगे साउथ कोरिया देश के बारे में। तो सीट बेल्ट डाल लीजिए, चलते हैं एक और रोमांचक सफर की ओर। आपको ये लगता होगा कि साउथ कोरिया जितना छोटा है ये उतना ही कमजोर देश होगा, पर आपको बता दें कि ये उतना ही शक्तिशाली है। अगर हम यहाँ की टेक्नोलॉजी की बात करें तो साउथ कोरिया जापान को भी टक्कर दे सकता है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है और यहीं पर दुनिया का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट भी मौजूद है। चलिए आज हम आपको दक्षिण कोरिया से जुड़े ऐसे रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें आप जरूर सुनना पसंद करेंगे। साउथ कोरिया में जब कोई शिशु जन्म लेता है तो वो एक दिन का नहीं बल्कि एक साल का माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के लोगों का कहना है कि बच्चा गर्भ में 9 महीने रहता है और यही वजह है कि साउथ कोरिया के लोग पैदा हुए बच्चों को एक साल का ही मानते हैं। दक्षिण कोरिया प्लास्टिक सर्जरी करवाने में सबसे आगे रहता है। ये देश कैपिटल ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें यहाँ के लोग खूबसूरत दिखने के लिए सबसे ज्यादा प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं। इसके अलावा यहाँ के लोग अपनी फिटनेस पर भी बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादातर लोग ऐसे मिल जाएंगे जिनके नाम के आगे या पीछे किम लगा होगा। ये एक नाम कोरियाई लोगों में बेहद आम है। साथ ही फोटो खिंचवाते हुए यहाँ के लोग स्माइल के लिए चीज नहीं किमची बोलते हैं। यहाँ का सबसे अच्छा एक नियम है कि यहाँ पर 20 वर्ष की उम्र से पहले कोई भी व्यक्ति शराब या अन्य किसी भी तरह का नशा नहीं कर सकता, क्योंकि उम्र से पहले यहाँ नशा करना गैरकानूनी माना जाता है। यही वजह है कि इस देश में शराब की खपत हर साल 12 लीटर प्रति व्यक्ति है। शराब की खपत के लिए ये देश 19वें नंबर पर आता है। दक्षिण कोरिया एक साफ सुथरा देश है। ये देश अपनी साफ सफाई पर विशेष ध्यान देता है। आपको बता दें दक्षिण कोरिया की आबादी 5 करोड़ से भी ऊपर है, जिसमें से 80% लोग शहरों में रहते हैं और बाकी बचे हुए गांव या अन्य पिछड़े जगहों पर रहते हैं। साउथ कोरिया एक ऐसा देश भी है जिसने दुनिया में पहली बार किसी रोबोट को नौकरी पर रखा था और 2012 में जेल की सुरक्षा के लिए गार्ड के रूप में रोबोट का निर्माण किया था। यहाँ के पुरुष ब्यूटी प्रोडक्ट्स में करीब $900 मिलियन खर्च कर देते हैं। तो ये था एक सुंदर सा देश साउथ कोरिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप इस देश में जा चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से और याद से शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।